सांस की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर लम्हा लम्हा तुझे तूने चाहा नहीं, मैंने चाहा है तुझे। वो तो शुक्र कर कि ऐन सब कुछ भूल गई, वरना इस वक्त ना हम दोनों जेल में होते। ये सब बताने में मैंने तुम्हें बहुत देर कर। बोल लिया जो बोलना था। That's it. अब आ गया तुम्हें यकीन? कब से बेल बजा रही हूँ, सुनाई नहीं देता? यहाँ आकर बहरी हो गई हो क्या? नहीं नहीं, वो एक्चुअली मेरी आंख लग गई थी। आप प्लीज अंदर आए ना। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ, आप बैठे। चाय की भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस जरा शॉपिंग के लिए निकली थी, मैंने सोचा तुम्हारी तरफ चक्कर लगा। सयान तो लेट ही आएगा ना। जी जी, मैं चलती हूँ। अभी तो आप आई हैं, आप आए ना, प्लीज बैठें, फिर चली जाइएगा। जिस काम के लिए आई थी वो तो हो गया, अब बैठना फजूल है, अपना ख्याल रखना। हेलो शहरयार बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो बात आप तक भी पहुंची? अर्श मुझसे कुछ नहीं छुपाती, हर बात बताती है, और अच्छाइयां छुप जाती हैं, बुराइयां नहीं छुपती। और अर्श तो किसी नसीबों वालों को मिलेगी, और तुमने उसी को धोखा दे दिया और छोड़ दिया उसको। किसने कहा कि मैंने अर्श को छोड़ दिया? आए जब छोड़ा ही नहीं तो ये दूसरी लड़की कहां से आ गई बीच में? इसे शायद मेरा बचपन है, समझ लीजिए ये सारी मेरी अम्मी की गलती है, मैं ना चाहते हुए भी उनकी बातों में आ गई। देखो बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझा है, आए कोई भी काम करने से पहले मेरे से मशवरा कर लेते तो क्या था। और देखो अर्श अगर तुम्हारे हक में बेहतर ना होती तो मैं खुद कहती कि छोड़ दो उसको। लेकिन अब क्या किया जा सकता है सलमा आंटी, और वैसे भी मैंने अर्श के साथ जो कुछ किया उसके बाद वो मेरी शक्ल भी नहीं दिखना चाहिए। देखो बेटा, सलमा ने अपनी जिंदगी के तजुर्बे से सीखा है कि इरादा पुख्ता हो तो हर काम हो जाता है, और हर दुरुस्त चाबी से हर ताला खुल जाता है। सलमा आंटी, मेरे पास कोई ऐसी चाबी नहीं जिससे मैं अर्श के दिल का ताला खोल सकूं। अच्छा अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। क्या बात है बीबी जी, सब ठीक तो है? आपकी आंखों में आंसू। आज अब मुझे याद ही नहीं कि मैंने मुस्कान को दूध पिलाया है या नहीं पिलाया है, मैं तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आप भी तो एक इंसान है, और इंसान तो भूल जाया करते हैं, इसमें घबराने वाली क्या बात है? हाँ लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने उसे दूध पिलाया है कि नहीं पिलाया है। अगर मैं उसे दूध ना पिलाऊं तो, और मेरे बार बार दूध पिलाने से उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। मैं सोच रही हूँ कि मैं ज्ञान की अम्मी को बुला लेती हूँ,
वो उसको संभाल लेंगी। बीबी जी ऐसी गलती भी मत कीजिएगा, उनके आने से हालात और खराब हो जाएंगे। आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना, आज से मुस्कान को दूध पिलाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं जाकर दूध तैयार करती हूँ, आप परेशान मत हो। ठीक है, तुम बहुत अच्छी हो आज। अर्श बेटा, बेटा बात सुनो, बैठ। देखो अर्श बेटा, तुमने मुझसे जितनी भी बदतमीजी की मैंने तुम्हें माफ कर दिया और मैंने अपना दिल बिल्कुल साफ कर लिया तुम्हारी तरफ से। मुझे एहसास है बीजे, उस वक्त कुछ ज्यादा ही बोल गई मैं, परेशान किसी और बात को लेकर थी, मगर सारा गुस्सा कहीं और निकल गया। अरे मैं सब जानती हूँ, शहरयार मुझे माँ की तरह समझता है और अपनी सारी बातें मुझे बताता है। उसने जो कुछ भी किया अब उसके बाद तुम शक्ल तो उसकी देखोगी नहीं, मैं इतना जानती हूँ। ऐसा ही है, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए बेटा, जब तक पूरा सच ना सुन लो। इसने मुझे धोखा दिया है पीछे, आधा सच भी यही है और पूरा। इसका मतलब कि तुम उसको सफाई का मौका नहीं देना चाहती तो ना दो, मगर वो तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। ये सारी तो उसकी माँ की कारस्तानी थी, उसने ही अपने बेटे को भड़काया था, मगर अब उसकी आंखें खुल गई है, वो अपनी माँ के फरेब को समझ गया है। मैं भी उसके फरेब को समझ गई हूँ बीजी। अर्श बेटा, क्या हुआ, बंद क्यों कर दिया? दोबारा चलाओ ना, इतना अच्छा सॉन्ग था। क्या बात है मामा, इतने दिनों के बाद बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं। मेरी जान बात ही खुशी की है और आगे इंशाल्लाह पूरी जिंदगी खुशी से ही गुजरने वाली। अच्छा तो क्या बात है, हमें भी तो पता चले। आज मैं जयान की तरफ गई थी, अपनी मेहनत का फल अपनी आंखों से देख कर आ रही। हमारे रास्ते का कांटा बहुत जल्द निकलने वाला है। दरवाजा बंद करके आई हो। बिल्कुल ठीक कहते हैं लोग, लालच पूरी बरा है। ये मुंह से फरकारियां क्या मार रहा है, सच सच बता क्या बोल रहा है। देखो माँ, मेरी माँ जो अपने नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, वो कल से अभी तक बालिश भर लड़की से दो बार टू टाइम्स बातें सुन चुकी है। इट्स सो डिस्गस्टिंग, आखिर क्यों, व्हाई? लालच। ओ मनहूस मारे, ये सब कुछ पापड़ तेरे लिए बेल रही हूं, मैंने कोई कबर में नहीं लेकर जाना। देखो माँ, ये तो मुझे नहीं पता, पर जो तुमने शहरयार का सीन बताया, मुझे तो लगता है कि शहरयार और अर्श की शादी होना तो नामुमकिन है।
मुझे ही काय करनी पड़ेगी। तू रहने दे, तुझसे ना हो पावेगा। अब जो कुछ करूंगी मैं खुद ही चलूंगी, और जो चाल मैंने चलनी थी वो चल चुकी हूं। अब सिर्फ ये देखना है कि तीर निशाने पे लगा है कि खता हो गया, समझा? तेरी हूं हूं ने मेरी जिंदगी अजाब की पीछे हट। उन्हें जिंदगी बर्बाद कर दी। एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे, मगर मामा शादी से राजी नहीं थी। अगर तुम मेरी जिंदगी में, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मामा ठीक है, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना। शायद मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया। अर्श को जब तुम्हारी करतूतों के बारे में बताया मैंने, तो इसे यकीन ही नहीं आ रहा। अर्श देखो, देखो मेरी बात। शट अप। जो सुनना था वो मैं सुन चुकी हूँ। हेलो 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 अर्श, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुमने मुझे समझा हुआ क्या है? खिलौना हूं ना मैं तुम्हारे लिए? जब दिल चाहा प्रपोज कर दिया, जब दिल चाहा दिल तोड़ दिया। मैं हूं क्या तुम्हारी नजर में? तुम मुझे एक बार मौका तो दो। अगर मैं तुम्हारा दिल ना बदल सका तो सारी जिंदगी तुम्हें तंग नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। बोलो। फरा मेरी जिंदगी में एक तूफान की तरह है, और जैसे तूफान की फितरत है, एक पल में सब कुछ तबाह करके चली गई। लेकिन अर्श, तुम मेरी जिंदगी में उस धूप की तरह हो जिसने जिसके बगैर मेरी जिंदगी में हर दिन अधूरा रहा है। मैं जानता हूं मुझसे गलती, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई और मुझे इस बात का एहसास है कि फरा सिर्फ मेरा शौक था, जबकि तुम मेरी मोहब्बत हो। मैंने बहुत सोचा कि जो गलती मुझसे हो चुकी है उसके बाद तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास कैसे दिलाऊं। तुमसे शादी करने के सिवा मेरे पास कोई दलील नहीं है, जिससे शायद तुमको मेरी मोहब्बत का एहसास हो जाए। बोलो अर्श, क्या मुझसे शादी करोगी? कब? जब बोलो। अभी इसी वक्त। अभी? हाँ अभी। लेकिन मैं मम्मा को कैसे बताऊंगा? हो गया मानठंड। ठीक है, मैं आ रहा हूं। अर्श मैं इंतजार कर रही हूं। मेरी बात। अब उसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं।
सब अभी कह रहा है। कबूल है। क्या क्या मतलब अभी घर जाओ। जाओ घर जाओ। आजी आ जाए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आ रही हूँ आ रही हूँ, हाथ धो रही थी। अरे अर्श, इतना सारा नाश्ता सिर्फ आपके लिए। बैठे मेरे लिए? मगर क्यों, वो भी इतना सारा? एक्चुअली पता नहीं है ना कि मैं इस घर में कब तक हूँ, सोचा जब तक हूँ तब तक आपकी थोड़ी खिदमत ही कर लूँ। हाँ मगर इतना सारा क्यों? बात ही कुछ ऐसी है। बताओ ना, अब एक्साइटमेंट से मेरी जान निकल रही है, बताओ। मुझे शर्म आ रही है। ओ गॉड, तुम्हें शर्म भी आती है? ये तो कोई इंकशाफ हो गया भाई। बात ही कुछ ऐसी है। तो बताओ ना। शहरयार ने मुझे प्रपोज किया है। पिछली बार भी तूने यही कहा था और मैं काम वाम छोड़कर घर पर बैठ गई थी। 2 महीने के बाद 6 महीने के लिए तो जेल चला गया था। घर में खाने पीने के लाले पड़ गए थे। तू मेरा खर्चा क्या उठाता? तेरी जमानत के पैसे मुझे देने पड़ गए थे। आई शेरयार को मैंने जो आइडिया दिया, उसने 1 मिनट में अर्श को शीशे में उतार लिया। बता देता हूँ कि हम आपके घर जा रहे हैं और वहाँ पे एक खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। कहीं ये खुशखबरी अरमा और अर्श से मुतालिक तो नहीं है?